हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शोम्स आईएएस। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर वन डिस्कस किया था। चैप्टर वन ही अभी डिस्कस कर रहे हैं, बट लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी दोनों में डिफरेंस क्या है। ये मेन एस्पेक्ट थे जो हमने कंप्लीट कर लिए थे। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था डिफिलेटर, राइट। डिफिलेटर में हमने ये कंप्लीट करा था, राइट। सो जीडीपी हमने देखा, जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मींस गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ भी होता है। अगर हम अपने देश के बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन करते हैं उसको एनुअली वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो उस देश का जीडीपी निकलता है, राइट। सो प्रोडक्शन की एक साल की वैल्यू, उसे जीडीपी कहते हैं। सो रियल जीडीपी क्या था? रियल जीडीपी का मतलब है जब हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते हैं, है ना। ओवरऑल जो वैल्यू निकलती है वो उसी वैल्यू के ऊपर ध्यान देते हैं कि ओवरऑल देश में जीडीपी कितनी बन रही है उस पर ध्यान देते हैं, बट इन्फ्लेशन के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में ध्यान नहीं देते। तो वो होता है नॉमिनल वैल्यू। जब हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं, राइट, बेस ईयर का एग्जाम्पल लेके जब हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं तो वो कहलाता है रियल जीडीपी। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि बेस ईयर का हम वैल्यू लेते हैं, मींस जो प्राइस है वो लेते हैं, और जो क्वांटिटी होगा वो हम करंट ईयर का लेंगे, राइट। तो ओवरऑल जीडीपी का रियल जीडीपी निकल के आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि ये डिफिलेटर क्या होता है। डिफिलेटर मींस जैसे हमने देखा था जीडीपी पर, जीडीपी नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी 150 आया था। जब दोनों को आपस में डिवाइड किया तो ये निकल के आया कि 2 times इन्फ्लेशन बढ़ा है और 2 times जीडीपी कम हुआ है। सो डिफिलेटर होता क्या है? डिफिलेटर होता है द रेशियो बिटवीन द नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, राइट। दोनों के बीच का जो रेशियो होता है उसको हम डिफिलेटर कहते हैं। अब डिफिलेटर को वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ द कंट्रीज जीडीपी भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आके हमने ये चीज़ ख़त्म किया था, ओके। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है क्या रह गया था, ओके। आज हम पढ़ने वाले हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा लेट मी सेलेक्ट दिस। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, और वैसे ही जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, ओके। तो इसे डिस्कस करेंगे आज हम। ओके, देखते हैं। अब छोटी सी बात आपने याद रखना है, फर्स्ट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जब वैल्यू कैलकुलेट हो जाए जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा होगा उसी एरिया के अंदर, राइट। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वैल्यू कैलकुलेटेड इन द प्रोडक्शन एरिया, सो वो कहलाएगा फैक्टर कॉस्ट, ओके। अगर जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाए वहीं पर जहाँ पर वो उसका प्रोडक्शन हो रहा हो तो उसे हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। सो मार्केट प्राइस क्या होता है फिर? मार्केट प्राइस होता है वैल्यू कैलकुलेटेड into the market
और कंज्यूमर्स हैंड। ठीक है, जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं मार्केट में या फिर कंज्यूमर के हैंड में। ठीक है, इसका क्या मतलब? देखो, जब फैक्ट्री से कोई कोई चीज़ निकलता है तो उसकी अपनी अलग वैल्यू होगी, बट जब वो मार्केट में पहुंचेगा तब तक उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी होगी, है ना। इसको इस तरीके से देखो, मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। मान लो यहाँ एक फैक्ट्री है, ओके, ये एक फैक्ट्री है जो प्रोड्यूस करता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट। ये एक टी फैक्ट्री है, ओके, ये एक टी फैक्ट्री है जो कितने बैग प्रोड्यूस कर रहा है? 10 बैग्स प्रोड्यूस कर रहा है, और सभी बैग्स की वैल्यू 100 रुपीज़ है, ओके। सभी बैग्स की वैल्यू कितनी है? 100 100 रुपीज़ सभी की वैल्यू है। बट ये जो एरिया है ना, ये एरिया है फैक्ट्री का, ओके, अभी ये यहाँ से बाहर नहीं आया है, जब इन्होंने इसे किसी ट्रक में डाला होगा, ओके, आई एम सो सॉरी फॉर माई ड्राइंग। मान लो इन्होंने इसे किसी ट्रक में डाला होगा, और ट्रक तो बन जाए यार, है ना। मान लो ये ट्रक में इसे डाल रहे हैं, तो ट्रक में डालने से पहले ये इनको कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर बैग कॉस्ट इज इक्वल टू 100 रुपीज़, है ना। तो ये कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पर बैग कॉस्ट टू ओवरऑल कितनी आई? ओवरऑल आई है यहाँ पर 10 × 100 रुपीज़ इज इक्वल टू 1000 रुपीज़। सो ये जो 1000 रुपीज़ आया है ना, ये आया है एट फैक्टर कॉस्ट, ओके। ये कैसे आया है? एज फैक्टर कॉस्ट आया है। अब मान लो यहाँ से ये प्रोडक्ट निकल गया, है ना, और ये आराम से पहुँच गई मार्केट में, ओके। अब ये मार्केट में पहुँचने के बाद होगा क्या भाई? इसे कंज्यूमर यूज़ करेंगे ना, है ना। तो मान लो यहाँ पर एक टी शॉप है, टी शॉप, है ना। टी शॉप में यहाँ पर टेबल है और यहाँ पर एक बंदा बैठा है, यहाँ पर दूसरा बंदा बैठा है, ओके ओके। सो यहाँ पर दो कप है, राइट। ये जो टी यहाँ से यहाँ पर आया है और इसके पास जो बैग आया है टी का, राइट, इसकी वैल्यू बड़ी होगी कि कम होगी? सोच के बताओ मुझे, क्या इसका पैकेट इसका इसने जो पैकेट यहाँ पर ख़रीदा है या फिर इनको जो चाय का पैकेट मिला है, क्या ये 100 रुपीज़ पर बैग होगा? बताओ मुझे, आंसर है नहीं, ये 100 रुपीज़ पर बैग नहीं होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होगा? जब भी मार्केट से चीज़ें बाहर निकलती है ना, फैक्ट्री से चीज़ें बाहर निकलती है और मार्केट में पहुंचती है, तब उसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। जैसे यहाँ पर इंक्लूड होगा टैक्स, राइट, जिसको हम बोलते हैं GST, राइट। जब आप कुछ पैकेट खरीदते हो उसमें लिखा होता है ना इंक्लूडेड ऑल टैक्स, है ना। सो ये जो पैकेट है वो यहाँ पर एक सेम प्राइस में नहीं पहुँचा होगा, इसमें कुछ वैल्यूज ऐड हो गई होगी, राइट। तो वो वैल्यू क्या ऐड होती है? वो ऐड होती है मार्केट प्राइस, कैसे बनती है? इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना है। कैसे बनती है?
मार्केट प्राइस प्लस फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पर एक और बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, मुझे एक बात बताइए आप लोग, अगर मैं ये बोलूँ मार्केट प्राइस ऑलवेज ग्रेटर देन फैक्टर कॉस्ट, क्या ये करेक्ट होगा? राइट, जर्नली करेक्ट नहीं होगा। राइट, वैसे तो करेक्ट है बट इसका एक एक्सेप्शन है। राइट, वो एक्सेप्शन समझा देता हूँ मैं। हमने देखा कि हाँ, जो फैक्टर कॉस्ट होता है वो तो अपने जगह में होगा, उसके बाद जो वैल्यू निकल के आती है उसमें तो है ना, उसमें टैक्स लगता है तो वो प्राइस बढ़ना ही चाहिए। राइट, बट इन केस ऑफ फर्टिलाइज़र, है ना, फर्टिलाइज़र में गवर्नमेंट क्या देती है भाई आप लोगों को? गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। अगर ऐसा कोई गुड्स है जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड हो रही हो, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड हो रही हो, उस केस में चीजें थोड़ी अलग हो सकती है। लाइक मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, है ना, या ये हो सकता है, या हो सकता है मार्केट प्राइस इज स्मॉलर देन फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये दोनों चीज़ें पॉसिबल है। अब होता क्या है, मान लो कि फर्टिलाइज़र है, यहाँ पर कोई फर्टिलाइज़र बना रहा है ना, एक कंपनी है एक्स वाई जेड, ये फर्टिलाइज़र बना रही है और इस फर्टिलाइज़र की कीमत है 500 रुपीज़। राइट, बट अगर ये मार्केट में 500 रुपीज़ में ये फर्टिलाइज़र पहुँचाता है तो फार्मर्स की तो इतनी इनकम होती नहीं है, फार्मर्स तो इसे नो बोल देंगे। राइट, मान लो कोई फार्मर इसे खरीदने आता है और इसको 500 का प्राइस बताते हैं, ये तो सीधा बोलेगा नो 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 बॉयज, मुझे तो नहीं लेना। राइट, ये ले ही नहीं पाएगा। सो इससे क्या होगा, आगे इम्पैक्ट होगा प्रोडक्शन में। राइट, सो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, इनको कहती है कि तुम 500 प्राइस मत लो, आप 250 में ही इनको दे दो। सो ये कंपनी मानेगी क्या? ये कंपनी नहीं मानती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनको कहती है कि तुम 250 में ये इधर पर दे दो। राइट, आपको 250 ही यहाँ से मिल जाएगा वापस, है ना, 250 यहाँ से वापस मिल जाएगा आपको, और 250 गवर्नमेंट अपने तरफ से आपको दे देगी। ठीक है, सो 250 यहाँ पर आया, 250 यहाँ पर आया, ओवरऑल इनके पास कितना इकट्ठा हो गया भाई यहाँ पर 500 रुपीज़, और 200 यहाँ से भी आया। समझ आया आपको? राइट, सो गवर्नमेंट अपने तरफ से, यहाँ से जो फार्मर ने दिया यहाँ से तो 250 ही दिया गया फार्मर ने, जब फार्मर ने 250 फर्टिलाइज़र के लिए दिया सो कंपनी तो 250 में मानेगी नहीं, है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, 250 अपने तरफ से देती है, तो फार्मर को यहाँ पर 250 में बैग पड़ जाता है, गवर्नमेंट 250 इसको देती है और इसका 500 रुपीज़ कंप्लीट हो जाता है। तो फैक्ट्री के पास भी क्या हुआ, तो ओवरऑल क्या आया, जो फैक्ट्री है उसने कितना कमाया भाई, 500 रुपीज़। कैसे, 250 प्लस 250, 250 उन्होंने फार्मर से, 250 उन्होंने गवर्नमेंट से कमाया। राइट, और यहाँ पर फार्मर ने कितने पे किए, फार्मर ने पे किया 250 रुपीज़। राइट, और गवर्नमेंट ने कितने पे किया, गवर्नमेंट में भी पे किया 250, सो दैट 500 यहाँ से गया। राइट, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया।
राइट, क्योंकि इस केस में हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर जो मार्केट प्राइस है वो फैक्टर कॉस्ट के बराबर भी हो सकता है और मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से कम भी हो सकता है, राइट। सो यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट कितना है, 500 रुपीज़ है, बट फार्मर को कितने में पड़ रहा है, 250 का पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है कि नहीं बॉस, राइट। तो इस तरीके से समटाइम्स जो यूजुअली जो होता है, मार्केट प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन फैक्टर कॉस्ट, राइट। बट इन केस ऑफ सब्सिडीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो उस केस में क्या होगा, मार्केट प्राइस या तो फैक्टर कॉस्ट के बराबर होगा या तो मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से कम होगा। ओके, तो ये होता है फैक्टर कॉस्ट। आई एम श्योर कि फैक्टर कॉस्ट में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, सुनने में बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट बहुत इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ, सो दैट कि आपको कोई डाउट ना रहे। ओके, सो नेक्स्ट है मेजरिंग जीडीपी। नेक्स्ट हेडिंग है मेजरिंग जीडीपी, जीडीपी को कैसे मेजर किया जाता है। ओके, जीडीपी को कैसे मेजर किया जाता है, देखो इसके तीन रास्ते हैं। थ्री वेज, या फिर बोलो थ्री मेथड्स, तीन रास्ते हैं या फिर बोलो थ्री मेथड्स। उसमें से जो फर्स्ट है वो है इनकम मेथड। एंड सेकेंड है एक्सपेंडिचर मेथड। थर्ड है गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, अब ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये असल में थियोरेटिकल तो बहुत अच्छा है, इन थ्योरी ये बेस्ट है, बट प्रैक्टिकल वर्स्ट है। अच्छा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो अगर मैं इनकम के मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करना शुरू करूँ, तो मेरे को थ्योरी में तो ठीक है कि जो कितना कमाता है उतना ही वैल्यू बताएगा तो जीडीपी आ जाएगा, बट है ना, बट कोई अपना एक्चुअल इनकम बताएगा क्यों, राइट। कुछ लोग टैक्स से बचने के लिए ये चीज़ नहीं बताएंगे, कुछ मिनिस्टर्स होंगे जो ब्लैक मनी इकट्ठा करेंगे अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए, राइट। सो कोई भी अपना एक्चुअल इनकम को दिखाएगा ही नहीं, राइट। अगर एक्चुअल इनकम ही नहीं दिखाएगा तो आप इसमें से जीडीपी कैलकुलेट करना तो भूल जाओ, राइट। तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग मेथड है। बट मुझे एक बात बताओ, इनकम तो कोई नहीं बताएगा भाई, खर्चे तो सारे ही बताएंगे, है ना, खर्चे तो सारे बताएंगे, और गवर्नमेंट कितने खर्चे कर रही है वो भी सारे बताएगी, राइट। खर्चे इसीलिए बताएंगे क्योंकि इससे इनकम टैक्स जो रिटर्न भरते हैं उनको प्रॉफिट होता है, राइट। जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं उन्हें प्रॉफिट होगा, राइट। सो इससे जो भी खर्चा हो रहा है उसको कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाता है, और इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए लोग अपने पूरी वैल्यू बता देते हैं। अब यहाँ पर भी इनकम टैक्स जो रिटर्न है इंडिया के अंदर, मेनली 4% ऐसे लोग हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं, राइट। बाकी तो बाकी का खर्चे का कैसे पता चलेगा भाई, कितना खर्चा हो रहा है कितना नहीं हो रहा है,
वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से थोड़ा बहुत आइडिया लगाया जाता है, राइट? इनडायरेक्ट टैक्सेस से कितना कंजम्पशन है मार्केट के अंदर वो सारा है ना। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, थर्ड है गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, राइट? सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितना पैसा वो सब्सिडी में डाल रहा है, ठीक है? सब्सिडीज में कितना पैसा डाल रहा है और स्कीम्स में कितना पैसा डाल रहा है, राइट? प्रोजेक्ट्स क्या क्या है, तो ये सारे गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स के अंदर आते हैं, राइट? सो इसमें हम पहले को तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पहला बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, इसका यूज़ नहीं किया जाता है ना ही इंडिया में, ना ही दुनिया के किसी कोने पे ये प्रैक्टिकल है। हमने बात करनी है दूसरा और तीसरा, राइट? सो जो दूसरा है वो क्या है, वो है एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर में हमेशा याद रखना, एक टर्म मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उस टर्म को आपने याद रखना है, ठीक है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना बॉस। इसको छोटे में कैसे लिखते हैं, ये जीडीपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। सो जीडीपी को डिनोट किया जाता है वाई से, याद रखना वाई इज इक्वल टू जीडीपी। जीडीपी को कैसे डिनोट किया जाता है, वाई से। सो वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस ई माइनस एम इम्पोर्ट्स, ठीक है? ये फॉर्मूला याद रखना। इसमें कंजम्पशन ऐड करो प्लस इन्वेस्टमेंट ऐड करो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऐड करो। अच्छा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में यहाँ पर याद रखना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में जो पेमेंट ट्रांसफर है वो नहीं आएगा, ठीक है? गवर्नमेंट बहुत जगह में पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, बट एक जगह में जहाँ पर वो पेमेंट ट्रांसफ़र करती है वो चीज़ें एंटर नहीं होंगी जीडीपी में, राइट? ऐसा क्यों, इसको मैं समझाता हूँ अभी आपको। देखो, जीडीपी का मतलब क्या है, है ना? आपके देश के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा हो, है ना, प्रोडक्शन को जब हम कन्वर्ट करते हैं वैल्यू में, वही तो जीडीपी होता है, राइट? बट मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट ने क्या किया यहाँ पर पेमेंट के केस में? गवर्नमेंट ने अपने जो इनके पास पैसा पड़ा है मनी, इसमें से कुछ पैसा मनी फ्लो फार्मर्स को दे दिया। जैसे डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर पे स्कीम्स चलाया था, राइट? बट फार्मर्स को पैसे दिया सपोर्ट के रूप में। अब फार्मर्स उसके बदले में कोई गुड्स नहीं देगा, राइट? यहाँ पर गुड्स का फ्लो नहीं है,
ऐसा कोई भी स्पेंडिंग जहाँ पर पैसा जा रहा हो और गुड्स आ रहे हो, राइट? अगर मनी स्पेंड हो रहा है तो गुड्स एंटर भी हो रहे होने चाहिए मार्केट में, राइट? बट इस केस में पैसे तो जा रहे हैं, यस, बट गुड्स एंटर नहीं हो रहे, तो हम इसको फॉर्मूले में एंटर नहीं करेंगे गवर्नमेंट स्पेंडिंग में। हाँ, गवर्नमेंट के और स्पेंडिंग, जैसे गवर्नमेंट में क्या कर दिए, कुछ पैसे दिए कहाँ पर, रशिया, रशिया को, है ना? रशिया को पेमेंट दिए, सो पेमेंट गया, बट रशिया से उस पेमेंट के बदले में ऑयल आया, राइट? सो अब ये जो स्पेंडिंग है ये एंटर होगा यहाँ पर, राइट? ऐसी कोई ऐसे किसी भी कंट्री में जहाँ पर हम पेमेंट कर रहे हैं और बदले में गुड आ रहा है, कोई भी गुड्स आ रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पर एंटर करेंगे। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि इसे हम एंटर नहीं करेंगे। ओके, सो ये चीज़ याद रखना है आपने। सो ये हमारा मेन फॉर्मूला है। ओके, ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को? ओके, सो अब इसमें देखो कि कैसे हम एंटर करेंगे ये सारी चीज़ें, क्या है? ओके, कंजम्पशन। अब कंजम्पशन क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, उस चीज़ को देख लेते हैं एक एक करके, सबको समझते हैं। सो कंजम्पशन, सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पॉइंट कंजम्पशन। ओके, कंजम्पशन प्राइवेट हो सकती है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, प्राइवेट मतलब कोई भी पब्लिक, पब्लिक का कंजम्पशन। सो ये जो पब्लिक शब्द है ना इंडिया के अंदर, पब्लिक शब्द यूज किया जाता है गवर्नमेंट के लिए। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पर पब्लिक शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं पब्लिक के लिए, राइट? सो कंजम्पशन प्राइवेट, जहाँ पर हाउस होल्ड आएंगे, कोई भी हाउस होल्ड्स, राइट? वैसे ही कंजम्पशन हाउस होल्ड तो हुआ, सो वैसे ही सेकंड आता है इन्वेस्टमेंट, है ना? कंजम्पशन प्राइवेट हाउस होल्ड, और इन्वेस्टमेंट कौन करती है भाई? इन्वेस्टमेंट प्राइवेट, ये भी प्राइवेट कॉरपोरेट्स करती है। इसको हम सीधा हाउस होल्ड और कॉरपोरेट्स भी लिख सकते थे, ताकि आपको ये वर्ड्स समझ में आए कि हम पब्लिक को अलग और प्राइवेट को अलग क्यों लिखते हैं, इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, कॉरपोरेट्स के अंदर भी ना एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर भी क्वेश्चंस बनते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सोच के देखो, अगर कॉरपोरेट्स के अंदर मैं शेयर्स खरीदता हूँ, क्या ये जीडीपी में इंक्लूड होंगे? शेयर्स ऐड होंगी जीडीपी में, बताओ। सो आंसर है नहीं। क्यों नहीं होंगे? देखो, शेयर्स का क्या, मैंने आपको क्या बोला कि जो भी प्रोडक्शन होता है ना, बट यहां पर कोई प्रोडक्शन हो रहा है क्या? शेयर्स किसी के नाम पे था, है ना? एक्स वाई जेड कंपनी के नाम पे शेयर था, ये तो पहले ही इंडिया में थी ना। तो ये शेयर अब मैंने इससे खरीद लिया, और पी क्यू आर इसके नाम पे शेयर हो गए। भाई इंडिया से ही ये शेयर यहाँ से उठे और ये शेयर यहाँ से इसके पास आ गए। तो क्या मार्केट के अंदर, अब मार्केट के अंदर मान लो कि ये एक शेयर था, है ना? ये एक शेयर था इंडिया के अंदर, पहले भी एक शेयर था, अब ये इसके पास आ गया, अभी भी एक शेयर है। क्या कोई नया प्रोडक्शन हुआ? नहीं हुआ ना। जब किसी के नाम पे कोई रजिस्ट्रेशन इधर से उधर होता है, उसको हम कभी भी प्रोडक्शन नहीं मानते।
इसके अलावा जैसे शेयर हो गया, उसको भी नहीं लेंगे, है ना? शेयर के अलावा और क्या हो जाता है, जैसे सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर उसको भी नहीं लेंगे। उसमें भी क्या, सॉफ्टवेयर तो वहीं पर होता है, सिर्फ लाइसेंस इधर, लाइसेंस नंबर इधर से उधर शिफ्ट होता जाता है ना? उस दूसरा जो टाइटल, बेसिकली जो भी टाइटल शिफ्टिंग होता है, जो भी टाइटल शिफ्टिंग होता है उसको यूज़ नहीं करते। ओवरऑल कॉर्पोरेट्स का जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है, उस इन्वेस्टमेंट को भी हम जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? थर्ड, सो थर्ड आता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स देखो, गवर्नमेंट क्या करती है, ऑयल परचेज है ना, आर्म एंड एमिशन परचेज, ठीक है? इसके अलावा जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कुछ भी जो गवर्नमेंट कहीं पर भी स्पेंड कर रही है, मान लो, है ना, एयरक्राफ्ट्स, राइट? कुछ भी जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, इस स्पेंड को भी हम जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे, ओके? ओके, सो नेक्स्ट आता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। पहले एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को हम ऐड करेंगे, एक्सपोर्ट को हम ऐड करेंगे क्यों? एक्सपोर्ट क्या होता है भाई, पहले इंडिया के अंदर प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन इन इंडिया, पहले प्रोडक्शन इंडिया में होगा, फिर होता है एक्सपोर्ट, है ना? सो प्रोडक्शन तो इंडिया में ही हुआ ना, अब प्रोडक्शन इंडिया में हुआ तो एक्सपोर्ट को भी कहां पर कैलकुलेट किया जाएगा बॉस? एड इन जीडीपी, तो इसे भी ऐड किया जाएगा जीडीपी में, राइट? सो नेक्स्ट आता है इंपोर्ट, राइट? इंपोर्ट को हमेशा माइनस किया जाता है। अब देखो माइनस क्यों किया जाता है, प्रोडक्शन कहां पर हो रहा है बॉस? प्रोडक्शन आउटसाइड हो रहा है ना, और फिर उसे लेके आया जाता है इंपोर्ट इन इंडिया, राइट? सो दोनों में देखो फर्क क्या है, मान लो कि सर्वेयर आ रहा है जीडीपी को कैलकुलेट करते समय, सर्वेयर घूम रहा है मार्केट के अंदर, जब वो मार्केट के अंदर ये सब कैलकुलेट करके यहाँ पर पहुँचा, उसने देखा कि एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट यार यहाँ पर तो 10 आर्टिकल बता रहा है, हमने 10 आर्टिकल 100 आर्टिकल प्रोड्यूस किए, बट हमको यहाँ पर तो सिर्फ 50 आर्टिकल दिख रहे हैं, तब बताया जाता है यार 50 आर्टिकल तो दिखेंगे बिकॉज बाकी के जो 50 है ना वो एक्सपोर्ट कर दिए, राइट? इसीलिए एक्सपोर्ट को ऐड करना जरूरी होता है, सो दैट ऐड किया तो मुझे पता चला 50 एक्सपोर्ट के हो गए, 50 ये हो गए, ओवरऑल जो प्रोडक्शन हुआ था 100 हुआ था। उसी हिसाब से मान लो यहाँ पर जो एक्स वाई प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का
जो प्रोडक्शन है इंडिया में 50 यूनिट हुआ है ना। जब सर्वेयर मार्केट में आता है तो उसको दिखता है 150 150 यूनिट्स। अब वो बोलता है यार प्रोडक्शन प्रोडक्शन में तो सिर्फ इज इक्वल टू 50 यूनिट बता रहा था, कुछ तो गड़बड़ है ना। फिर बताया जाता है नहीं 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 ये 50 यूनिट्स प्रोडक्शन ज़रूर है, बट जो इम्पोर्ट्स है वो है 150, राइट। इम्पोर्ट्स कितना है 150। तभी आप लोग आपको यहाँ पर ओवरऑल कितना दिखाई दे रहा है, 200 यूनिट्स दिख रहे हैं, राइट। सो 50 जो इम्पोर्ट हुए हैं, राइट, 150 इम्पोर्ट हुए हैं, 200 यूनिट्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर 50 प्रोडक्शन में है और 150 ये है। तो ओवरऑल अब जो सर्वेयर है उसको पता चल जाएगा कि हमको यहाँ से माइनस करना है 150, ये जो 200 है उसमें से माइनस करेंगे 150, तब हमारा देश का निकल जाएगा कि हमारा कितना है 50 यूनिट्स हमारा प्रोडक्शन था। ओके, इस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देखा जाता है, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया ना ये क्यों किया हमने। हमने क्या किया, सबसे पहले GDP जो कि होता है Y इज इक्वल टू, सबसे पहले सॉरी प्रोडक्शन मो पे रह गया। ओके, सबसे पहले क्या आएगा, कंजम्पशन, कंजम्पशन को हम क्या करेंगे ऐड। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो होता है उसको भी ऐड करेंगे, इन्वेस्टमेंट को भी ऐड करेंगे, प्लस गवर्नमेंट स्पेंड्स इसको भी ऐड करेंगे, बट माइनस कर बट यहाँ पर ओके। इसके बाद हम ऐड करेंगे एक्सपोर्ट को, है ना, और माइनस करेंगे इंपोर्ट को। एक्सपोर्ट को याद रखना ई से मेजर किया जाता है और इंपोर्ट को एम से मेजर किया जाता है, राइट। सो कंजम्पशन तो ठीक था, इंपोर्ट इन्वेस्टमेंट में क्या था भाई, इन्वेस्टमेंट में शेयर्स नहीं, लाइसेंसेस नहीं, बेसिकली टाइटल शिफ्टिंग को ऐड नहीं किया जाता, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग में ऐसे कोई भी स्पेंडिंग जहाँ पर मनी का फ्लो तो हो रहा है, मनी का फ्लो यस बट गुड्स नो। जो मनी फ्लो है वो तो हो रहा है पर जो गुड्स फ्लो है वो नहीं हो रहा, तो ऐसे किसी भी वैल्यूज़ को हम जीडीपी में एंटर नहीं करते। ओके, बाकी हमने याद रहा यहाँ पर जो इम्पोर्ट वाला केस था, इम्पोर्ट को भी हम एक्सपोर्ट को क्यों ऐड करते हैं और इम्पोर्ट को क्यों हम माइनस करते हैं वो भी क्लियर है, राइट। चलें, यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अब वीडियोस लंबी होती जाएगी, उसको होने दो, अब तो टाइम लगाना है बॉस, ठीक है। नेक्स्ट है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिड, इसको बोला जाता है GVA। अब आपको ये याद रखना है कि इंडिया ने जीडीपी से अपना मेथड चेंज कर दिया है जीवीए के थ्रू।
अब हम जीडीपी कैलकुलेट नहीं करते, जीवीए कैलकुलेट करते हैं। अब जीवीए क्या है वो समझेंगे। ओके, जीवीए का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर है ग्रॉस वैल्यू एडिड, ग्रॉस वैल्यू एडिड हम छोटे लेवल पर ही कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे अब, है ना, सो दैट कि हमारे पास एक्चुअलिटी बढ़ जाए। जीवीए को समझाता हूँ। मान लो यहाँ पर कोई फैक्ट्री है, सबसे पहले फैक्ट्री में इंपोर्ट्स होंगे, कुछ इंपोर्ट्स या फिर इनपुट आप लिख लो, है ना, कुछ इंपोर्ट्स या फिर इनपुट होगा और फैक्ट्री में प्रोसेस होगा। है ना, प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद निकलता है आउटपुट। ठीक है, अब यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, यह है टाटा कार्स, है टाटा ऑटोमोबाइल। एक्स इनपुट किया और प्रोडक्ट आया वाई। क्लियर। अगर अब मुझे जीवीए फाइंड करना है, फाइंड जीवीए ऑफ टाटा कार्स, ठीक है, तो टाटा कार्स का जीवीए कैसे निकालूंगा भाई, जीवीए इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। समझ आया, जीवीए कैसे निकलेगा, जीवीए इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, वो हमारा जीवीए निकल जाता है। अब ये तो था एक इंडस्ट्री का, है ना, अब टाटा टाटा इंडस्ट्री, ये तो सिर्फ टाटा इंडस्ट्री था और ये कौन सा ऑटोमोबाइल, ये तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी। अब ऑटोमोबाइल पूरी की पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का निकालने के लिए राइट क्या करूंगा, सारा का सारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का निकालने के लिए, सो मैं यहां पर करूंगा जी वी ए ऑफ ऑल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो यहां पर सिग्मा जी वी ए, बस सिग्मा का इस्तेमाल करूंगा, सिग्मा जी वी ए कैलकुलेट कर दूंगा। ऑफ ऑल कार इंडस्ट्रीज। ओके, तो इससे मेरे को क्या निकल जाएगा, सिग्मा जीवीए से। अब यहां पर सभी, जैसे यहां पर ऑटोमोबाइल ये जीवीए प्लस एक्स माइनस वाई मैंने टाटा इंडस्ट्री का किया, वैसे ही हुंडई का, वैसे ही क्रेटा, वैसे ही टयोटा का, वैसे ही मारुति का, है ना, उन सब का इकट्ठा अगर यहाँ पर वैल्यू डाल दूँ तो वो हो जाता है सिग्मा जीवीए, राइट। तो इस तरीके से मैं सबका कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है, ये तो ऑटोमोबाइल के बारे में बात किया राइट, अब ये तो एक सेक्टर था ना, ये तो एक सेक्टर था, सेक्टर ये सब मिला के क्या हुआ सिग्मा जीवीए, ये एक सेक्टर सिग्मा जीवीए निकला राइट। अब मैं अगर सेम ही सारे सेक्टर, इंडिया के सारे सेक्टर्स, चाहे ऑटोमोबाइल हो चाहे फार्मास्यूटिकल हो, सभी का निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, सिग्मा जी वी ए इज इक्वल टू जी वी ए ऑफ ऑल सेक्टर्स इन इंडिया राइट। अब ये जो निकलेगा जब हम जीवीए निकालते हैं
सारे सेक्टर का इंडिया में, इंडिया में जितने सेक्टर है सभी का जीवीए निकाला, तो वो क्या होगा बॉस? वो ओवरऑल कैलकुलेशन होगा GDP। समझ आया? जब हम सभी इंडस्ट्री का, सभी सेक्टर्स का जीवीए निकालेंगे तो वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? GDP। अब दोनों के बीच में डिफरेंस बता दूं क्या होता है? आई एम श्योर कि आप खुद समझ गए होंगे कि दोनों के बीच में जीडीपी क्या, डिफरेंस क्या है। अगर मैं बात कर रहा हूँ ना जीवीए का, GVA वो है सेक्टर, सेक्टर स्पेसिफिक है ना। और ये जो ये हो जो इसका इसका जो कैलकुलेशन होता है वो इजी होता है, इजी टू इजी टू कैलकुलेशन, राइट। और जो जीडीपी है जीडीपी होता है ओवरऑल, ओवरऑल या फिर हम बोले नेशन वाइज, राइट। और इसे कैलकुलेट करना इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, राइट। सो आज के लिए काफ़ी हो गया, हमने जीवीए करा और जीडीपी और जीवी के बीच में डिफरेंस क्या होता है समझ में आ गया होगा। ट्रांसफर पेमेंट क्या क्या होता है वो भी हम कर चुके हैं आज, है ना। ट्रांसफर पेमेंट करा, इसके अलावा हमने मेजरमेंट ऑफ ऑफ जीडीपी भी करा, राइट। उससे पहले हमने करा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, राइट। तो ये टॉपिक आज हमने कंप्लीट करे हैं। सो नेक्स्ट जो बचे हुए टॉपिक है वो कल हम कंप्लीट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, और जिस दिन आप ये पढ़ रहे हो उस दिन आप बुक से या फिर इंटरनेट से कहीं से भी डाटा इकट्ठा करके थ्योरेटिकल भी रिवाइज कर रहे हैं, है ना। और हो सके तो अगर टाइम बचता है तो जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में एक ब्रीफ नोट लिखिए। ऐसे मान के चलिए कि आप मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना, 200 या फिर 250 वर्ड्स में इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लो अभी हम जीडीपी और जीवीए के बीच में डिफरेंस ही लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, है ना। या फिर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसके बीच में कुछ रिलेशंस लिखना है तो आप 250 वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए, राइट। सो टिल देन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिसे भी इन लेक्चर्स का नीड है प्लीज़ उन्हें ये शेयर करना, क्योंकि मैं सारे यूपीएससी का प्रेपरेशन अपने इस शोम आईएएस प्लेटफॉर्म में करवाने वाला हूँ। 1 से 1.5 साल का पीरियड रहेगा, इसके अंदर मैं आपके ऑप्शनल तक का प्रिपरेशन करवा दूँगा। हाँ, ऑप्शनल का मैं गारंटी नहीं लेता, उससे पहले जितने भी जनरल स्टडीज़ है और सी सेट और एसे राइटिंग है वहाँ तक हम ज़रूर पहुँच जाएंगे। अगर टाइम रहता है तो ऑप्शंस के कुछ टिप एंड ट्रिक्स मैं डिस्कस कर लूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय।